ओ जी बताओ। वो काम जो वो घर का जो कागज है ना, लाल पुर्जा जो जमीन का कागज है, तो भैया ने कहा था कि बैंक में रखना है। अच्छा हाँ, तो मैं उसी के लिए आया हूँ। बोला भैया ने बोला कि भौजी से पूछ लेना, एक बार पूछ लेना तब कुछ करना। तो रखें क्या ना रखें, मैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के पैसे के लिए। तो क्या बताऊँ, भैया ने कहे तो रखो सोच समझ के, तुम मतलब वो निकाल तो पाओगे ना बाद में पढ़ के। हाँ भौजी, अगर जो मैं पढ़ने को मुझे मिला तो मैं पैसे कमा के सब निकाल दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो अच्छे से। तो मैं निकाल लूँ पैसे। तो हाँ? आपको साइन करना जाना पड़ेगा बैंक में। किसके साथ? तुम्हारे साथ? हाँ ठीक है, चलूंगी। चलोगी? अब चलना तो पड़ेगा ना, तुम्हारा पढ़ाई है, पढ़ाई करोगे तुम, है कि नहीं? हाँ। तो बताओ। तो घर का अब तो वही, तो मैं तो मतलब बता नहीं हूँ कि अब इतना गिरवी रखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अब तुम्हारा पढ़ाई का सवाल है तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा ना। तो घर का कागज निकाल देती अभी की अभी, थोड़ी देर बात करूँ सुबह से। देखो ना, कल से तुम्हारे भैया घर आए ही नहीं, तो मैं बोर हो चुकी हूँ, थोड़ी देर बात कर लो मुझसे। तो कहो जी क्या बात है। तो मुझे साइन करने कब जाना होगा, अभी या कल? नहीं, एक हफ्ता लगेगा, टाइम लगता है ना। वही तो, तुम पढ़ना क्या चाहते हो? ज्यादा पढ़ाई करके कहीं छोड़ के तो नहीं जाओगे घर पर? नहीं, मैं वकील बनना चाहता हूँ बहू जी। वकील? हाँ, वकील बन के कहीं अपनी बहू जी को ना फंसा दे। किस में? जेल में। क्यों हक हो जी, आपको क्यों फंसाना? अरे मजाक करिए। अच्छा तो बताओ और क्या बात करना। रात में सोई ही नहीं, तो बहुत दर्द हो रहा है। अब क्यों नहीं सोई हो? अब कि तुम्हारे भैया नहीं आए ना, तो अकेले अकेले कैसे सोऊंगी बताओ। अब सोच तो रही थी कि बाबू से बात कर लूं आके, लेकिन कैसे आऊं, सोई तो है ना रात रात को। हाँ गलत है ना भौजी। अब गलत तो नहीं, आप देवर के पास नहीं आऊंगी तो किसके पास जाऊंगी? हाँ। बात करने के लिए, तुमसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? हाँ, कहीं घूमना चाहती हो तो घुमा देता हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बैठ के ना आओ, थोड़ा मजे करते हैं। मजे मतलब? खाते हैं, बात करते हैं। अच्छा, तो नीचे चलो, नीचे टीवी देखेंगे और आप मेरे लिए पकौड़ी बनाओ। नीचे तो माँ बाप भी है ना। तो वैसे भी वो ऊपर नहीं आते हैं कभी भी, मतलब बूढ़े हो गए हैं ना, तो थोड़ा आने के लिए। तो मैं क्या कुछ है? तो आप जाके नीचे से कुछ बना के लेके आओ ना, तब तक मैं यहाँ पे बैठता हूँ। मेरा मतलब ज्यादा दर्द हो रहा है शरीर में, दर्द हो रहा है। अब क्या करूँ बाबू, तुम्हारे भैया होते तो अभी मालिश करने पे मतलब बोल देती, अब है नहीं तो कौन कर देगा मेरा मालिश, है कि नहीं? अब वो ही तो, अब मैं कर नहीं सकता ना भौजी, क्योंकि क्यों कर नहीं सकते? नहीं कर सकता ना। अब भाभी, मैं भी तो तुम्हारी घर की हूँ, तुम्हारे मतलब भाभी तो माँ बराबर होती है, लेकिन मुझे छूने में क्या है? हाँ नहीं नहीं, ये गलत है। क्या क्या बोली आप? अब मेरे मालिश कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा बोलने में? अरे नहीं भौजी, क्या बात करती हो, तुम्हारे भैया तो रोज करते हैं। मालिश क्या भौजी, भैया से बात किया करो ऐसे। क्यों तुमसे? अब इतने भी मतलब सीधे मत बनो, मुझे पता है। नहीं मुझे सब पता है। भौजी क्या बकवास करती हो आप भी, आप मतलब
तुम पढ़ाई करना चाहते हो ना, ये सब पता है। तो जी आओ ना, बैठ के बात करते हैं। हाँ ठीक है, बैठूंगा। और सुनो ना, जाओ ना मेरे लिए कुछ बना के लेके आओ, और बैठे गए बात करेंगे बहुत ही अच्छे से, है ना? ठीक है ठीक है, तो चलो। तुम नहीं चलोगे क्या? चलो।